जापान में तगड़े तूफान का खतरा। 270 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। 29 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। दुनिया में बदलते मौसम के कारण भीषण आपदाएं आ रही हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जहां बाढ़ की तबाही झेल रहा है, वहीं भारत के साथ हमेशा बेहतर संबंध रखने वाले जापान पर तूफान का संकट गहरा गया है। जापान के मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक तूफान नान माडोल की चेतावनी दी है। ये तूफान 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने के आसार हैं और अत्यधिक बारिश के बाद बाढ़ भी आ सकती है। तूफान की तबाही से बचने के लिए 29 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि तूफान से तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। इसकी वजह से क्यूशू के दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में तेज बारिश होगी। जापान की वेदर एजेंसी के मुताबिक तूफान से काफी नुकसान हो सकता है। इस साल जापान में आने वाला ये 14वां तूफान है। शनिवार को ये जापान के एक रिमोट आइलैंड मिनामी दैतो से टकराया। फिलहाल ये आइलैंड ओकिनावा द्वीप से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के आने की आहट से राहत और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खतरे को देखते हुए करीब 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कई ट्रेनें फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, तेज हवाओं से कई घर तबाह हो सकते हैं। करीब 510 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। बता दें कि साल के अगस्त सितंबर के महीने को जापान में टाइफून सीजन कहा जाता है। इस दौरान साल के करीब 20 तूफान आते हैं। इसके चलते भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ आ जाती है। साल 2019 में जापान को 70 साल के सबसे भीषण तूफान हेजिबिस ने तबाह कर दिया था। तब जापान में हेजिबिस के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।